फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने एक पहले भी वीडियो बनाई थी कि पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर यदि ग्रिसलिन को डाल दिया जाए तो बहुत ही जल्दी आग लगती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को कुछ इस प्रकार से डाल देंगे और उसके ऊपर रखेंगे ये लाइटर और उसके ऊपर डाल देंगे ग्लिसरीन को और फिर देखते हैं उसके अंदर आग लगती है तो लाइटर कैसे बढ़ते हैं कैसे नहीं। तो सबसे पहले मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर ग्लिसरीन डालने से आग कैसे लगती है। तो चलिए चलते हैं बाहर। यहाँ पे मैंने डाला पोटेशियम परमैंगनेट और इसके ऊपर डाल देते थोड़ा ग्लिसरीन। तो रिएक्शन बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब हम ये सेम प्रक्रिया लाइटर के साथ और करेंगे, फिर देखते हैं लाइटर में आग किस प्रकार से लगती है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक पोटेशियम परमैंगनेट को बिछा दिया और उसके ऊपर रख दिया इस लाइटर को और ये ग्लिसरीन अब इसके अंदर डालेंगे और इस ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आग पकड़ती है जैसा कि आपने देखा था। तो अब देखना ये होगा कि ये फटते या नहीं फटते। सो आप ऐसा कुछ भी कहीं भी करने की ट्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं।